नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पचोली में 11 जून ठाकुर परिवार और पटेल परिवार के बीच में जमकर लाठी डंडे चले थे, जिसमें पटेल परिवार के द्वारा करण ठाकुर नाम के वृद्ध पर लाठी और डंडों से हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था। घायल करण ठाकुर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज करण ठाकुर ने दम तोड़ दिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि मामूली विवाद में पटेल परिवार के 5 सदस्यों की द्वारा उसके परिवार के साथ मारपीट की गई थी। वहीं भेड़ाघाट पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई आरोपियों पर नहीं की गई है, जिसका नतीजा है कि उसके पिता की मौत हो गई। वहीं मामले में भेड़ाघाट थाना प्रभारी सफिक खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जून को दो पक्षों में विवाद में घायल करण ठाकुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पिता हैं जिनके साथ घटना हुई है, और हमारे पिता ऐसे सहज भोरे हम लोग बैठे थे, हम लोग कोई नहीं थे पिता के पास, थोड़ी थोड़ी दूर थे। तो पिता को ने पहले पिता को मारा, मेरे भाई को रगड़ने की कोशिश, खेत में रगड़ा पहले मेरे भाई के साथ, फिर मेरे पिताजी को मारा। फिर मेरा छोटा भाई काम से आया था, मेरे को अंगना में पैर बस रख पाया है, मेरे छोटे भाई को मारा। फिर मैं पिताजी को बचा रही थी, सिर में लठन मतलब चोट ना लग पाया जाता, तो तीन हमको भी लगे हैं। किस बात को लेके मारा उन्होंने आप लोगों को? झगड़ा हुआ था। किस बात को लेके? बच्चों पैसे थोड़ी बहुत नहीं है, ड्रिंक किए थोड़ी। सर के इलाज के दौरान मौत हुई है, क्या पूरा घटना ग्राम? ये ग्राम पथरोली का झगड़ा है, और दो पक्षों में विवाद हुआ था 11 तारीख को। दोनों पक्षों की तरफ से काउंटर मुकदमे दर्ज थे। करण ठाकुर अस्पताल में इलाजरत थे, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पंचनामा कार्रवाई की जा रही है, इसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें पटेल पक्ष के आरोपी हैं, अब इसमें विवेचना चल रही है। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।